गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, आज मैं आप सभी को गणित विषय में वस्तुओं को छोटे से बड़े क्रम में रखना सिखाऊंगी। इससे संबंधित एक क्रियाकलाप लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ जो आपकी पाठ्यपुस्तक अंकुर गणित से ली गई है। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पृष्ठ आपके पाठ्यपुस्तक अंकुर गणित से ली गई है। आज मैं आप सभी को छोटे से बड़े क्रम में अंकों को तथा वस्तुओं को रखना सिखाऊंगी। आप अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। कुछ वस्तुएं छोटी होती हैं और कुछ वस्तुएं बड़ी होती हैं। तो आज का क्रियाकलाप हमें छोटे से बड़े क्रम में रखने को सीखना है। आप यहाँ पिक्चर्स देख रहे हैं, चित्र नजर आ रहा है आपको। यहाँ पर पेंसिल का चित्र बना है। यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह वाली पेंसिल सबसे छोटी है, इससे थोड़ी सी बड़ी पेंसिल ये वाली है और सबसे बड़ी पेंसिल ये वाली है। यहाँ देखिए, गेंद है, यह छोटा गेंद है, यह बड़ा गेंद है, यह थोड़ा सा इस गेंद से छोटा है। अब यहाँ देखिए, ये बैट है, बैट में ये सबसे बड़ा बैट है, ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा है। यहाँ देखिए, पेड़ है, पेड़ ये बड़ा पेड़ है, सबसे बड़ा पेड़, ये सबसे छोटा पेड़ और ये इन दोनों के बीच मिडिल का पेड़ है, क्योंकि इसकी आकृति, इसका आकार इस पेड़ से छोटा है और इस वाले पेड़ से बड़ा है। आपको यहाँ निर्देश दिया गया है कि उस चित्र के सामने सही का निशान लगाना है जो वस्तुओं को छोटे से बड़े क्रम में सजाए हुए है। तो यहाँ आपको ये चार बॉक्स में चार तरह के चित्र दिखाई दे रहे हैं। आपको ध्यान देकर देखना है कि कौन सा चित्र इस निर्देश को पूरा करता है कि छोटे से बड़े क्रम में वस्तुओं को सजाकर रखा गया है। तो यहाँ देखिए, ये जो पहला चित्र है, इसमें सबसे छोटी पेंसिल को सबसे आगे रखा गया है, उसके बाद उससे बड़ी पेंसिल को उसके बाद में और सबसे बड़ी पेंसिल को सबसे अंत में। तो यह जो क्रम है, यह क्रम क्या है? वस्तुओं को छोटे से बड़े क्रम में सजाने के निर्देश का पालन करता है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार सही का निशान लगा देंगे, परंतु बाकी जो बॉक्स में चित्र हैं, वे छोटे से बड़े क्रम में सजने वाले वस्तुओं के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वस्तुओं को सजाने में अनियमितता बरती गई है। कहीं बड़ा आगे है, कहीं छोटा आगे है, कहीं बड़ा वाला बीच में है, कहीं यहाँ देखिए पेड़ आगे है। तो सिर्फ इस वाले चित्र में पेंसिलों को उनके छोटे से बड़े क्रम में सजाया गया है, इसलिए मैंने यहाँ सही का निशान लगा दिया। अब चलिए बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा करें। आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहली संख्या लिखनी सिखाई गई है 2। इस संख्या से आप भरी भांति परिचित हैं, आप सभी ने 2 लिखना सीख लिया है। और 2 जो है वो 3 से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पर अंकों को भी छोटे से बड़े क्रम में लिखा गया है, क्योंकि 2 संख्या 3 संख्या से छोटी होती है और ये पहले लिखी गई है। इस प्रकार हमने संख्या 2 को बनाना सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है, इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? संख्या 3। इस प्रकार 2 के बाद क्या होता है? 3। 3 जो है वो 2 से ज्यादा होता है, ठीक है ना बच्चों? तो इन बिंदुओं को मिलाकर हम इस प्रकार संख्या 3 को लिखने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि संख्या 3 तो लिखना आप लोगों को पहले ही आ गया है।
आज हम लोग बस दोहराव कार्य के रूप में इसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी जो संख्या लिखी गई है 2, 3, 4, ये सभी इस क्रम में है, छोटे से बड़े। संख्या 2 छोटी होती है, उससे बड़ी संख्या 3 होती है, और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4। तो चलिए 4 को भी लिखते हैं। संख्या 4 को लिखना आप लोगों को आता है, इसी प्रकार आप लोग बिंदुओं को मिलाकर संख्या 4 को भी पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज हमने 3 संख्याओं का दोहराव कार्य किया, संख्या 2, संख्या 3 और संख्या 4। 2, 3, 4, इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? 2। 2 जो है सबसे छोटी संख्या है, और इससे बड़ी संख्या कौन है? 3। और इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4। इस प्रकार आज हम सभी ने संख्याओं को तथा वस्तुओं को छोटे से बड़े क्रम में रखना सीखा। आप इस कार्य को अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपके पास भी बहुत सारी पेंसिल्स होंगी, गेंद होंगे, तो आप उन पेंसिल्स को छोटे से बड़े क्रम में सजा कर रख सकते हैं। आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है मेरे प्यारे बच्चों। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।